हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर कुमुद अपने चैनल आयुर होम में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के हिसाब से आपकी दिनचर्या, सुबह उठने से लेकर के रात तक आपको कैसे खाना है, कैसे पानी पीना है। फ्रेंड्स, हम जब रात को खाना खाकर सो जाते हैं तो हमारे स्टमक में यानी कि हमारी पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एक जूस यानी कि एसिड निकलता है। ये हमारे खाने को डाइजेस्ट यानी कि पाचन करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम लोग रात को खाना खाकर सो जाते हैं तो सुबह तक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रमाण है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सुबह उठते से ही आप सबसे पहले मटके का एक गिलास पानी पियेंगे और प्लेन पानी पियेंगे। काफ़ी सारे लोगों को आदत होती है नींबू पानी पीने की। जनरली खट्टी चीज़ें सुबह में सेवन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया एसिड जो है हमारे पेट में ज़्यादा होती है। और आयुर्वेद के हिसाब से आपको ज़्यादातर खाना एल्कलाइन यानी कि जिसमें कम खट्टा होता है, जिसमें खट्टाई बहुत कम होती है वो खाना चाहिए। एंड इस तरह की गर्मियों में आपको ज़्यादा ऐसे खाने खाने हैं जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में 90% पानी का भाग हो, जैसे कि खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया। इसीलिए हमको खीरा वाटरमेलन इस सीज़न में ज़्यादा अवेलेबल भी होता है। जनरली ये एक नॉर्मल चीज़ होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। रात को भी खट्टी चीज़ें जनरली नहीं खानी चाहिए। इस तरह का अगर आपका दिनचर्या रहता है तो आपको 90% किसी भी प्रकार के डिजीजेस यानी कि रोग नहीं आते और आप हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं। थैंक यू।